प्रश्न 9 निर्देशी अक्षों तथा रेखा x अपॉन a माइनस y अपॉन b बराबर 2 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हमें इसका चित्र बनाना चाहिए। हमें सरल रेखा का समीकरण मिला है x अपॉन a माइनस y अपॉन b बराबर 2। हम एक सारणी बनाते हैं। निर्देशांक हमें सरल रेखा बनाने के लिए दो निर्देशांकों की आवश्यकता है, तो हमने एक सारणी बनाई, यहां लिख लिया x, यहां लिख लिया y। जब x बराबर 0 है तो ये 0 हो गया, y का मान कितना आ गया माइनस 2b, ये प्राप्त हुआ। अब हम y को 0 ले लेते हैं, जब y 0 है तो x बराबर 2a, अर्थात हमें दो निर्देशांक मिल गए। एक निर्देशांक तो है 0, माइनस 2b, दूसरा निर्देशांक है 2a, 0। दो निर्देशांक प्राप्त हो गए जिनको हम ग्राफ पेपर पर, लेखा चित्र पर अब हम अंकित करते हैं। तो ये हमारे निर्देशी अक्ष हैं, x अक्ष, ये हमारा है y अक्ष। एक बिंदु है 2a, 0, मान लिया ये बिंदु यहां है, ये हमारा मूल बिंदु है। इस बिंदु के निर्देशांक ले लिए 2a, 0। दूसरा है 0, -2b, स्पष्ट है कि ये माइनस में है तो नीचे की ओर होगा, ये बिंदु हो गया 0, -2b, और हम इन दोनों को मिला देते हैं। ये मैंने इन दोनों को मिला दिया, इस प्रकार से मैंने प्राप्त किया। ये हमारी सरल रेखा है, सरल रेखा जिसका समीकरण x अपॉन a माइनस y अपॉन b बराबर 2 है। यह हमारी सरल रेखा हो गई। अब हमें कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रेखा और निर्देशी अक्षों से परिबद्ध। ये तो y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो स्पष्ट है कि हमें इस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। ये हमारा रिक्वायर्ड क्षेत्रफल है जिसे हमें यहां इस प्रश्न में ज्ञात करना है। इसके लिए हमारी स्ट्रिप इस प्रकार से बनेगी, जो dx के लिए हम स्ट्रिप बनाते हैं वो यहां बनेगी, ये हमारा dx है। उसका फैलाव कहां से कहां तक होगा, ये मूल बिंदु है 0, 0, फैलाव होगा 0 से 2a तक, फैलाव 0 से 2a तक होगा। तो मैं इधर से तो इसको मिटा देता हूं। अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, इंटीग्रल, लिमिट तो मुझे देनी है 0 से 2a, वाई डीएक्स। वाई का मान हमको इस सरल रेखा के समीकरण से ज्ञात करना है, तो हम यहां ज्ञात कर लें। दिस इंप्लाइज x अपॉन a माइनस 2 बराबर हो गया y अपॉन b, अर्थात b इंटू b अपॉन a ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2a बराबर y। b क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ गया, तो b अपॉन a, यहां ब्रैकेट में क्या रह गया x माइनस 2a, ये y का मान है, y का मान रख दें। इंटीग्रल 0 से 2a, वाई का मान हमने रख दिया, बी अपॉन ए तो बाहर ले लें, बी अपॉन ए, हमने समाकलन के कांस्टेंट है, समाकलन के बाहर ले लिया, ये हो गया ब्रैकेट में एक्स माइनस 2a dx, ये हमें प्राप्त होता है। अब यहां हम देखते हैं कि ये एक्स अक्ष से नीचे की ओर बन रहा है, क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, तो यहां हम इसको मॉड्यूलस में लिख देते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, इसलिए जो भी ये मान आएगा, मान जो भी आएगा उसका संख्यात्मक मान हम ले लेंगे, तो ये मैंने इसको मॉड्यूलस में लिख दिया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो मॉड्यूलस बी अपॉन ए तो बाहर ही ले लें, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2a dx है तो x हो गया,
लिमिट हमारी हो गई 0 से 2a, मॉडुलस में बराबर किया b अपॉन a, मॉडुलस x के स्थान पर 2a लिखा, 2a लिखने से क्या हो गया, 2a का स्क्वायर अर्थात 4a स्क्वायर बटा 2 माइनस x के स्थान पर हमने क्या लिखा 2a, तो 4a स्क्वायर माइनस x के स्थान पर 0 लिखने से ये मान हो गया 0, यहां भी x का मान 0 रखा तो माइनस का 0, ये हमें प्राप्त होता है मॉडुलस में। सरल कर लेते हैं इसको, तो b अपॉन a मॉडुलस लघुत्तम हमारा कितना हो गया 2, 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, मान कितना आ गया b अपॉन a इंटू माइनस 4a स्क्वायर बटे 2, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, अर्थात अब हमें इसका पॉजिटिव मान ले लिया तो मान आ गया बराबर है b अपॉन a इंटू 2a स्क्वायर। इस माइनस का जब हमने मॉडुलस लेना है तो प्लस में संख्या आ जाएगी, a से ये a स्क्वायर का कैंसिल हो गया, मान आ गया 2ab, 2ab वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए यहां यूनिट हमें क्या लिखनी है वर्ग इकाई। तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो हमने यहां आच्छादन से दिखाया है उसका मान है 2ab वर्ग इकाई।